सिंध हाई कोर्ट का दफाई इदारों के जेर इंतजाम अराजी का कमर्शियल इस्तेमाल रोकने का हुक्म। ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। सिंध हाई कोर्ट ने दफाई और रफाई अराजी को कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से रोक दिया है। सिंध हाई कोर्ट में दफाई मकासद के लिए मुख्तस अराजी पर शादी हॉल्स और सिनेमा चलाने के केस की समाअत हुई है। दफाई इदारों के ज़ेर इंतज़ाम शादी हॉल्स और सिनेमा के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने शारह फैसल पर फैल्कन मॉल राशिद मिनास रोड के न्यूप्लेक्स सिनेमा का कमर्शियल इस्तेमाल रोकने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने 19 शादी हॉल्स और मार्केट्स के कमर्शियल इस्तेमाल से रोक दिया है। अदालत ने रफाई प्लॉटों और दफाई मकासद की जमीनों पर शादी हॉल्स में तकरीबात भी रोकने का हुक्म दिया है। अदालत ने ऑफिशियल असाइनी को 15 रोज में इन जमीनों की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की है। अदालत ने हुक्म दिया कि जमीन की कानूनी हैसियत से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। दरख्वास्त गुजारों ने डालमिया अस्करी 4 DHA में कायम शादी हॉल्स की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया है। दरख्वास्त गुजारों ने मौकफ पेश किया है कि आर्मी, नेवी, फजाइया और दीगर को दफाई मकासद के लिए जमीनें दी गई थी। इनमें DHA फेज 7 और फेज 8 में कायम बैंकुएट और शादी हॉल्स भी शामिल हैं। इसके अलावा डालमिया रोड पर कायम सिग्नेचर और एम्पेरियल बैंकुएट की भी कानूनी हैसियत चैलेंज की गई है। दरख्वास्त गुजार ने जमजमा में वाकई इम्तियाज सुपर स्टोर को भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदआ की है। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ इख्तियार किया है कि एयरपोर्ट के अतराफ कायम बैंकुएट को भी गैर कानूनी करार दिया जाए। दफाई मकासद के लिए मुख्तस अराजी का रिहायशी का कमर्शियल इस्तेमाल खिलाफ कानून है।